और दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का बयान आया और उन्होंने कहा कि घटिया सोच वाले मंत्री कैसे बन जाते हैं ये मेरी समझ से परे है। ये दरअसल निशाना और सवाल अखिल गिरी के ऊपर है। अखिल गिरी के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग भी स्वाति मालीवाल ने की है और कहा है कि पुलिस अखिल गिरी को पकड़े और अखिल गिरी को जेल में डाले। ये दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि घटिया सोच वाले आखिर मंत्री कैसे बन जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इस तरीके के लोग जो महिलाओं के प्रति इतनी घटिया सोच रखते हैं ये मंत्री बन कैसे जाते हैं। इस आदमी ने ना सिर्फ हमारी माननीय प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाने की कोशिश की है, उसने पूरे देश का अपमान किया है, देश की महिलाओं का अपमान किया है। मेरी अपील है वेस्ट बंगाल पुलिस से, तुरंत इसके खिलाफ FIR दर्ज कीजिए और इसको जेल में डालिए। हाथों में माइक, चारों तरफ ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लोगों का हुजूम और भीड़ में खड़े लोग वाह वाह कर रहे हैं, तभी लोगों के बीच पश्चिम बंगाल की कैबिनेट मंत्री अखिल गिरी ने कुछ ऐसी बात कह दी जिसकी भारत जैसे महान और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार के मंत्री ने राष्ट्रपति का अपमान किया और इस अपमान को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बंगाल सरकार पर पलटवार किया। उन्होंने ममता बनर्जी से ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। मात्र एक आदिवासी महिला का अपमान नहीं है, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद का यह अपमान है। तो मैं तृणमूल के उस नेता का बयान नहीं सुनना चाहती। मैं चाहती हूँ कि ममता जी हमको ये बतलाएं कि वो उस नेता को कब तृणमूल से बर्खास्त करेंगी। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने राष्ट्रपति के खिलाफ की गई टिप्पणी पर कड़ा विरोध जताया। समझ नहीं आता कि इस तरीके के लोग जो महिलाओं के प्रति इतनी घटिया सोच रखते हैं ये मंत्री बन कैसे जाते हैं। इस आदमी ने ना सिर्फ हमारी माननीय प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाने की कोशिश की है, उसने पूरे देश का अपमान किया है, देश की महिलाओं का अपमान किया है। मेरी अपील है वेस्ट बंगाल पुलिस से, तुरंत इसके खिलाफ FIR दर्ज कीजिए और इसको जेल में डालिए। राष्ट्रपति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को कांग्रेस पार्टी ने भी शर्मनाक बताया। पार्टी प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि ममता को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इंसानियत के खिलाफ बात है ये, खाली प्रेसिडेंट है वो तो खैर जाहिर है कि बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि ममता जी को इस ऐसे आदमी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।